अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आपके एग्ज़ाम अच्छे, आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी जा रही होगी। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर इम्तहान में शानदार कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आज का आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, मसला सब्जेक्ट्स हैं पेपर में, तो हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि इस दफ़ा जो पास परसेंटेज है वो 40% है। ठीक है, पास परसेंटेज, पासिंग नहीं होता, पास होता है, ये याद रखेंगे। अक्सर टीचर ने लिखा पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स गलत होता है। इस तरह पासिंग परसेंटेज नहीं होता बल्कि पास परसेंटेज, ये परसेंटेज। पास परसेंटेज वो कितनी है, 40% है। इस दफ़ा जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और 1st ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो पास परसेंटेज है वो कितनी है, 40। यानी हर सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स लेने होंगे, तब आप उसमें इम्तहान में उस पेपर में पास होंगे। इस तरह जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जो 9th क्लास के, वो कौन से हैं, उर्दू के 75 मार्क्स हैं, इंग्लिश के भी टोटल 75 मार्क्स हैं, मैथ के 75 मार्क्स हैं। इस तरह जो आर्ट्स वाले हैं उनके जनरल साइंस के 75 मार्क्स हैं। ये सब्जेक्ट्स के 75 मार्क्स हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स के 75 मार्क्स हैं उनमें पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे इसका हम 40% कैलकुलेट कर लेते हैं। 40% 40/100, ये 40% हो गया किसका, 75 का। ठीक है, तो 25 के टेबल से काटिए, 25 3 75, 25 4 40, 4 10 40, 10 3 30। तो जो आपका जो पेपर 75 मार्क्स का, उसमें आपको पास होने के लिए 30 मार्क्स चाहिए, 30 नंबर चाहिए। जितने भी आपके पेपर हैं जिनका नंबर टोटल मार्क्स 75 है, उससे पास होने के लिए आपको 30 नंबर चाहिए। इसी तरह जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनके 60 नंबर होते हैं, तो 60 मार्क्स वाले सब्जेक्ट है, इसका जो 40% अगर कैलकुलेट करें, 40/100 × 60, ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो कट गया, 4 6 24। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी जिन सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स 60 हैं, उसमें पास होने के लिए आपको 24 मार्क्स चाहिए। इसी तरह कंप्यूटर है, कंप्यूटर पास स्टडीज, इस्लामियात लाजमी और तर्जमा कुरान, इनके 50 नंबर होते हैं, आपके टोटल मार्क्स 50 हैं, तो इसका 40% क्या होगा, 40/100 × 50, ज़ीरो कट गया, 4 5 20। तो जो 50 नंबर वाले पेपर हैं कंप्यूटर और पास स्टडी इस्लामिया लाजमी कुरान, उसमें आपके जो पास मार्क्स हैं, पास होने के लिए आपको 20 मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये आप याद रखें, इतने नंबर आपने चाहिए। तो इससे अगर आपने 30 नंबर लेने हैं तो आपके 40 नंबर की तैयारी होनी चाहिए। 40 नंबर का पेपर करके आएंगे तो फिर आप उम्मीद रखेंगे आपको 30 नंबर आ सकते हैं। अगर आपने 24 नंबर लेने हैं तो आपकी कम से कम 30 नंबर की तैयारी हो, उसमें से आपके 24 मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपने 20 नंबर लेने हैं तो आपके कम अगर 30 नंबर का पेपर आप अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें आपके 20 मार्क्स आ सकते हैं। तो इन मार्क्स को आप जेब में रखें कि आपने इतने मार्क्स लेने हैं, तो इसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। कोशिश तो आपने ये करनी कि आपने फुल मार्क्स लेने हैं, ये तो मैं पास मार्क्स बता सकता हूँ। वो वाले स्टूडेंट जिनकी कुछ भी तैयारी नहीं है, जिनको पता नहीं चलता हमें कितने मार्क्स लेने हैं, तो इसको अपडेट थी। इसको मैंने कहा, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हम लेने हैं फिर पास होंगे, इसको आप नोट कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।